हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर ऑनलाइन वीडियो ऑफ आरसी एजुकेशन हब बानसू। सो लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम क्लास 11। टुडे लेट्स डिस्कस अबाउट द फाइलम कोर्डेटा। ओके, सो फाइलम कोर्डेटा हैविंग सम पेकुलियर फीचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोर्ड, होलोनार कोर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। सो लेट्स सी नोटोकोर्ड। सो व्हाट इज नोटोकोर्ड? इट इज ए रोड लाइक स्ट्रक्चर, अंडरस्टैंड? इट इज ए फ्लेक्सिबल रोड लाइक स्ट्रक्चर। ओके, सो इट इज द पेकुलर फीचर ऑफ कोर्डेटा। कोर्डेटा, इससे पहले जो हमने पढ़े थे वो नॉन कोर्डेट्स थे। दे डू नॉट हैविंग द नोटोकोर्ड्स। ओके, नोटोकोर्ड्स एब्सेंट होती है, तो उसमें आप सर के साथ समझते चलिए कि नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स में क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट आपको क्लियर है कि जो नोटोकोर्ड है वो कोऑर्डिनेट्स में ही प्रेजेंट होती है, नॉन कोऑर्डिनेट्स में वो एब्सेंट होती है। दूसरा, जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होलो नर्व कोड प्रेजेंट होता है। देखिए, नर्व कोड, इट मीन्स इट रिलेट्स टू द नर्वस टिश्यू। तो एक तो देखिए, इनमें डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होती है, जबकि अगर हम बात करें नॉन कोऑर्डिनेट्स की, तो एक तो उनमें ये वेंट्रल सरफेस पे होती है, ठीक है, वेंट्रल होलो की जगह सॉलिड होती है। ओके, और नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो इसमें देखिए, जो कॉर्डेट्स होते हैं उनमें डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है, जबकि जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उनमें वेंट्रल और सॉलिड नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो थर्ड पेकुलर फीचर है कॉर्डेट्स का, वो है कि फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती है, यानी जो मेन फंक्शन है रेस्पिरेशन का काम ये करती है। इज इट क्लियर? तो ये तीन मेन पेकुलर फीचर है कॉर्डेट्स के, नोटोकॉर्ड, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड एंड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। उसको हम डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। देखिए, डोंट गो थ्रू द डायग्राम कैसा बना है, बट आपको जो क्लियरली आइडेंटिफाइड करना है वो मेन चीज है कि ये वाला जो पोर्शन है दैट इज नोन एज द नर्व कॉर्ड। ओके, और इसके नीचे वाला जो पोर्शन है उसको क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड, ठीक है। ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स है। और एक और पेकुलर फीचर है कॉर्डेट्स में कि पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। क्लियर है? पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है, तो दैट वन इज नोन एज पोस्ट एनल पार्ट। ओके, तो पोस्ट एनल टेल भी प्रेजेंट होती है कॉर्डेट्स में। ओके, तो इसमें देखिए आपको क्लियर हो गया कि एक तो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड और फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो हमने डायग्राम के थ्रू भी देखी। उसके अलावा जो कॉमन फीचर है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी थ्री जर्म लेयर्स होती है इसमें, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। उसके अलावा बायलैटरली सिमेट्रिकल है, इट मीन्स बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू इक्वल हाफ्स थ्रू ए सिंगल प्लेन। ओके, और सिलोमेट यानी ट्रू बॉडी कैविटी इसमें प्रेजेंट होती है। इसके अलावा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है दैट इज ऑफ क्लोज्ड टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। इज दैट क्लियर? सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या होता है, क्लोज्ड टाइप होती है, यानी वेसल्स की प्रेजेंस होती है। वेसल्स जो भी होती है जो ब्लड को कैरी करती है, तो ब्लड फ्लोज इनटू द वेसल्स, तो वेसल्स प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होती है। अंडरस्टैंड? तो ये आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि क्या क्या चीजें हैं इसमें, ये सारे इसके पेकुलर इंपॉर्टेंट फीचर हैं। अभी देखिए, हम डिस्कस करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कॉर्डेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि कॉर्डेट्स को लेटर ऑन हमने थ्री डिवीजन में डिवाइड किया है, यूरो कॉर्डेटा, सिफेलो कॉर्डेटा एंड नेक्स्ट वन वर्टिब्रेटा। इज दैट क्लियर? सो बेटा, लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। हैव ए गुड डे।